मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना अंतर्गत गांव कचरिया के रहने वाले शिवलाल नाम के युवक का शनिवार को अपहरण हो गया, जिसके बाद सोमवार शाम नाराज ग्रामीणों ने सीतामऊ नगर में थाने के सामने चक्का जाम किया। दरअसल शनिवार को शिवलाल अपने गांव कचरिया से सीतामऊ मोबाइल खरीदने के लिए आया था। इसी दौरान कुछ युवक उसे गाड़ी में बैठा कर उसका किडनैप करके ले गए और उसे नशे का इंजेक्शन दिया। सोमवार शाम को किडनैप हुए युवक शिवलाल को कृषि उपज मंडी के पास रास्ते पर फेंक कर चले गए, जिसके बाद घायल युवक ने सीतामऊ थाने पर जाकर जानकारी दी, मगर उसे थाने से भगा दिया। घायल युवक ने अपने परिजनों को फोन पर जानकारी दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सीतामऊ में रोड पर बैठकर चक्का जाम किया। थोड़ा जोर से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल है। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? घर से मोबाइल और दवा लेने आया था कीटनाशक के घर। कितने दिन पहले? क्या 3-4 दिन पहले। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं सी मोबाइल के बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी और घर से बोला तो मम्मी ने इसने कि वो सामान लेके आ जाना, तो मैं गाड़ी में खड़ी करके सामान लेने आ गया। थोड़ा आगे चला, वो वहाँ से गाड़ी में बिठा लिया मेरे को। किसने बिठाया? 4 जने थे साहब। कौन थे? मेरे को पहचान में नहीं आया। फिर कहाँ ले गए आपको? क्या पता, 15-20 मिनट से गाड़ी चलाई उन्होंने और उतार दिया नीचे और बाद में इंजेक्शन दे दिए। 4 दिन पहले आपको लेके गए थे, आज ही लेके गए थे? 4 दिन पहले। चार दिन से कहाँ घुमा रहे थे आपको लेके? वो कायम मतलब पत्रा की छाया ऐसे थी, वहाँ रख रखा था। कुछ आवाज आई और अलग अलग जाके ने बातें करते। क्या कुछ पैसे वैसे मांगे? कुछ पैसे वैसे नहीं मांगे, दूसरा नाम पूछा उसने। फिर क्या बोला उन्होंने? वो फिर बोलते रहे ऐसे ऐसे बातें आना, अंदर अंदर बातें करते रहे। कब छोड़ा आपको? मेरे को अभी छोड़ा। कहाँ पे? मंडी से थोड़ा आगे थाने पे गए थे आप? मैं थाने पे गया था, वहाँ साहब मेरे को फोन लगा था मेरे घर पे, तो बोले कहाँ से आए अभी, कहाँ फोन लगा था, फोन लेने आएगा तेरे को ऐसे बोल के। मम्मी वहाँ से फिर निकल गया मेरे को, क्योंकि अकेला था मैं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं पड़ रही थी। फिर मैं यहाँ गुरु कृपा होटल के यहाँ आया और एक बंदे ने वो बोला और फोन लगा दिया उसने दिनेश जी। इंजेक्शन लगाया तो क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब उसका होती था उत्तर में बेहोश रहा और बाद में धीरे 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 मेरे को सपोर्ट आने लगी। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। क्या लगते हैं आप इनके? मेरे मामा का लड़का है, मैं इसका बुआ का लड़का हूँ। क्या वारदात हुई थी, क्या घटनाक्रम हुआ? ये शनिवार को सुबह 10 बजे घर से निकला था और करीब 11:15 बजे सीताओं पहुँचा। यहाँ पे इसकी गाड़ी खड़ी करके और इसको यहाँ से 4 जवान उठा के ले गए कार में। कौन जवान थे? कोई पुलिस के जवान थे या कौन थे, कुछ पता नहीं? कोई अनजान व्यक्ति थे सर। कहाँ लेके गए? वो ये उसने यहाँ से वो लगा के आगे जाके इसको इंजेक्शन लगा दिया हाथ पे और वो हाथ वो पूरा शरीर सुनो उसको मालूम ही नहीं कहाँ पे लगा है, जिससे आधे घंटे करीब गाड़ी चली इसकी जीप और वहाँ पे उतार के और इसको बांध दिया हाथ दोनों हाथ और पांव कुर्सी पे बिठा के। उसके बाद में उसे वो 4 ही आदमी उसके साथ में बातचीत, दो आए बातचीत करते रहे। क्या पैसे की कोई मांग करी या किसी कोई रंजिश वगैरह थी, कोई झगड़ा था? इसके कोई रंजिश कोई झगड़ा नहीं है किसी से। अब जब ये यहाँ कितनी देर बाद मिले हैं सीतामऊ में? मैं सीतामऊ आज आए सब, अभी आए और थाने से थोड़ा आगे उसको फेंक गए और वहाँ से थाने में गए तो थाने में इसकी कोई मदद नहीं हुई। वहाँ से धीरे धीरे चल के लंगड़ा चल के गुरु कृपा होटल पे आया। उस दूसरे बंदे ने फिर इसने बोला कि मेरे फ़ोन लगाते, फिर इसके मेरे भाई के फ़ोन लगाया उसने, उस नंबर फिर मैं दौड़ के आया, उससे सबने आवाज़ उठी, पूरे गाँव के हम यहाँ पर आ गए। पुलिस ने कोई मदद नहीं की? पुलिस ने कोई मदद नहीं की और पुलिस के सामने सब अभी गए थे उसके सामने, उसको बोल दिया हमें कि सब हमारे साहब के सामने 4 जवान। क्या कुछ पता है, कुछ हुलिया वगैरह पता है, कौन सी गाड़ी थी या कैसा कुछ पता है क्या? कुछ नहीं सब, वो तो गाड़ी में अंधेरे में छोड़ के भाग गए सब 4 ही। किधर की साइड लेके गए थे, कहाँ लेके गए थे इसको सर? मंडी की तरफ लेके गए थे। मंडी की तरफ? हाँ।
मंडी की तरफ से आए सर आगे, तो इसको मुंह बांध रखा था। ठीक, मेरा नाम नितेश जाट कचरिया जाट है। मामला यह है कि 8 दिन में यह दूसरी घटना हो गई है। पहले हमारे गांव का व्यक्ति प्रकाश जाट जो यहां से निकला था दिन में 4 बजे, उसको पीछे से शीशे फोड़कर उसका बियर की बोतल से उसका सिर फोड़ दिया जाता है और वो गाड़ी वहां छोड़कर भाग जाते हैं। गाड़ी पर यहाँ पड़ी उसका भी आज तक इनको कोई पता नहीं चला, इनको कुछ पता नहीं चला। शिवलाल जाट की गाड़ी यहाँ पर पड़ी जो अभी वर्तमान केस है, वो गाड़ी का पता नहीं चला। चाहे 4 दिन से ये लापता था। आज हम इस मामले को लेकर आए कि 4 दिन से लापता शिवलाल जाट को गंभीर अवस्था में पुलिस थाने के सामने गाड़ी से नीचे छोड़कर भाग जाते। वो थाने में जाता, किसी स्टाफ से बात करता है कि मेरे घर पर फोन लगाओ, मैं 4 दिन से लापता हूँ, गंभीर अवस्था में, वो बेहोशी हालत में, तो उसको वहां से भगा देते हैं। वो गुरु कृपा होटल पे आकर कोई महेश माली नाम का आदमी आता है और वो एक अच्छा आदमी था, तो उसने फोन लगाया घर से, उसके भाई दिनेश जाट को बुलाया और वो आए और उसको यहाँ पर जिला अस्पताल, वहाँ पर सरकारी अस्पताल ले गए और वहाँ पर उसको उपचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उसकी गाड़ी का भी पता नहीं है। सीतामू पुलिस, उसकी गाड़ी पड़ी जो शिव मोबाइल के सामने, उसका आज तक पता नहीं लगा सके कि कौन छोड़ के गया। हमारी आरोपी जल्द से जल्द पकड़ाए और हमारी एक ही मांग है कि लिखित आया चक्का जाम हटाएंगे और 48 घंटे की मोहलत मांग रहे, उन 50 घंटा हमारा होगा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।